दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम को मिली दक्षिण अफ्रीका के हाथों 4 विकेटों की करारी हार। 5 मैचों की सीरीज में 2-0 से बढ़त ले लिए दक्षिण अफ्रीका। तो इस वीडियो में हम आपको भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरे टी20 मुकाबले का पूरा रिपोर्ट कार्ड बताएंगे। जी हाँ, जैसा कि कप्तान ऋषभ पंत इस मुकाबले में भी टॉस हारते हुए दिखे और साउथ अफ्रीकन टीम ने पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया भारतीय टीम को। मेहमान टीम पहले मैच में गेंदबाजी करके जीती थी, चेस करके 212 रनों का लक्ष्य। दूसरे मैच में उन्होंने सेम काम किया, 149 रन चेस कर लिए। भारतीय टीम की तरफ से ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन ओपनिंग करने आए। ऋतुराज गायकवाड़ पहले ओवर में ही आउट हो गए। उनके बाद श्रेयस अय्यर 3 नंबर पर खेलने आए। श्रेयस अय्यर और ईशान किशन के बीच अच्छी पार्टनरशिप हुई, पर यह पार्टनरशिप ज्यादा देर तक नहीं चल पाई और ईशान किशन 34 रन बनाकर आउट हो गए। उनके बाद आए क्रीज पर कप्तान ऋषभ पंत, पर कप्तान ऋषभ पंत की तरफ से इस बार कोई भी बड़ी पारी नहीं आई। 5 रन बनाकर आउट हो गए केशव महाराज की गेंद पर। इसके बाद भारतीय टीम का कोई भी बल्लेबाज बड़ा स्कोर बनाने में नाकामयाब रहा। भारतीय टीम 148 रन 6 विकेट खोकर बना पाई पहली पारी में। इसके जवाब में साउथ अफ्रीकन टीम जब बल्लेबाजी करने आई तो उनकी शुरुआत काफ़ी ख़राब हुई। पावर प्ले में 3 विकेट निकाले और 3 विकेट भुवनेश्वर कुमार ने निकाले अपने 3 ओवर फेंक कर। इसके बाद लगा कि भारतीय टीम इस मैच में कमबैक करेगी और जीत भी सकती है। ऑलमोस्ट भारतीय टीम के हाथ में मैच था, पर इसके बाद आया हेनरिच कार्सन का तूफान, जिन्होंने 81 रनों की पारी खेली। भारतीय टीम के खिलाफ उनका काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड भी था, उन्होंने स्पिन को काफ़ी अच्छा खेला, 81 रनों की पारी खेली और साउथ अफ्रीकन टीम को जीत दिलाई। इसके अलावा कप्तान टेम्बा बाउमा ने का काफ़ी अच्छा साथ दिया और इस मैच में हेनरिच कार्सन को प्लेयर ऑफ द मैच मिला और भारतीय टीम ये मुकाबला हार गई। अब 5 मैचों की सीरीज में भारतीय टीम 2-0 से पीछे हो गई है और जैसा कि अभी तक भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका को अपने सर जमी पर एक भी T20 श्रृंखला नहीं हराई है। तो भारतीय टीम को ये श्रृंखला जीतनी भी थी, पर यहाँ पर 2-0 से पीछे हो गई है। अब बाकी 3 मैचेस भारतीय टीम के नॉकआउट मैचेस रहेंगे। अगर एक भी मैच हारती है तो T20 श्रृंखला भारतीय टीम साउथ अफ्रीकन टीम से हार जाएगी। इसके अलावा इस मैच की बात करें तो भारतीय टीम इस मैच में फिर से एक बार बल्लेबाजी में पिछड़ते हुए दिखी। गेंदबाजी अच्छी हुई, पर यहाँ पर स्पिनर्स विकेट नहीं निकाल पाए। जैसा कि हम ऋषभ पंत की बात करें तो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में उन्होंने बताया कि तेज गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की, शुरुआत में हमने विकेट निकाले और साउथ अफ्रीकन टीम के ऊपर प्रेशर बनाया, पर मिडिल ओवर्स में जहाँ विकेट चाहिए थे वहाँ पर विकेट नहीं मिले। इसके अलावा साउथ अफ्रीकन टीम के बल्लेबाजों ने काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की है, ऋषभ पंत ने ऐसा बताया पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ऋषभ पंत गेंदबाजी को लेकर नाराज थे, खास करके स्पिन गेंदबाजी को लेकर, क्योंकि युजवेंद्र चहल ने अपने पूरे 4 ओवर में 49 रन दिए। इसके अलावा 1 विकेट निकाले और अक्षर पटेल इस मैच में अपने पूरे 4 ओवर भी नहीं डाले। और इसके अलावा ऋषभ पंत ने यह भी बताया कि 10 से 15 रन शॉर्ट थे इस टोटल में। अगर हम बात करें तो 170 से 175 रन यहां पर बनना चाहिए था, पर 148 रन बनाने के बाद भी भारतीय टीम को भुवनेश्वर कुमार ने कमबैक करा दिया था पावर प्ले में 3 विकेट निकालकर। और एक समय दक्षिण अफ्रीका का रन रेट 9 के ऊपर था और जब वो चेस कर रहे थे, पर यहाँ पर भारतीय टीम कमबैक नहीं कर पाई क्योंकि मिडिल ओवर्स में उनके गेंदबाजों ने विकेट नहीं निकाला। जी हाँ, युजवेंद्र चहल 1 विकेट जरूर निकाले, तब शायद काफ़ी देर हो गई थी। इसके अलावा उनको 4 ओवर में 49 रन पड़े भी हैं। और इसके अलावा अक्षर पटेल की बात करें तो वो इस मैच में 1 ओवर डाले जिसमें उनको 19 रन पड़े और उन्होंने अपना पूरा ओवर भी नहीं ख़त्म किया, यानी कि स्पिन गेंदबाजी फ्लॉप रही और भारतीय टीम इस मैच में पीछे रह गई एक एक्स्ट्रा तेज गेंदबाज खिलाने से। जी उमरान मलिक या अर्शदीप सिंह, जिन्होंने IPL में मिडिल ओवर्स में और डेथ ओवर्स में अच्छी गेंदबाजी की है, जी हाँ, तो उनको यहाँ पर ट्राई कर सकती थी मिडिल ओवर्स में और डेथ ओवर्स में, और इस पिच पर तेज गेंदबाजों को मदद मिल रही थी और भारतीय टीम इस पिच पर एक एक्स्ट्रा तेज गेंदबाज खिला सकती थी, पर भारतीय टीम अपने बल्लेबाजी को गहराई देने के चक्कर में अक्षर पटेल को खिलाई। इसके अलावा अक्षर पटेल ने गेंदबाजी में कुछ खास नहीं किया। अगर हम बात करें तो युजवेंद्र चहल को 49 रन लगे दूसरे मुकाबले में, तो यानी कि स्पिन गेंदबाजी भारतीय टीम की फ्लॉप रही है। उन्होंने स्पिन के चक्कर में सोचा था कि साउथ अफ्रीकन बल्लेबाज को फंसाएंगे, पर वो स्पिन के खिलाफ अच्छी प्रैक्टिस करके आए। इसके अलावा तेज गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी करते हुए दिखे दूसरे T20 मुकाबले में, खास करके भुवनेश्वर कुमार, जिन्होंने 4 विकेट निकाला और यार ऑलमोस्ट 6 में से 4 विकेट तो इन्होंने निकाला और उनकी कमर तोड़ दी थी दक्षिण अफ्रीका टीम की। पर अगर कोई दूसरा गेंदबाज इनका साथ देता तो शायद भारतीय टीम ये मुकाबले को भी जीत लेती और 1-1 की बराबरी कर लेती 5 T20 मैचों की श्रृंखला में। बाकी आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आप सभी लोग को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड शेयर जरूर करना और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, आपको क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट्स मिल जाएगी। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।